स्वागत है आपका वीकेंड बजट अड्डा में। जी हाँ, आज थोड़ा बजट फ्लेवर रहेगा और बजट चूंकि सामने है एकदम, तो कुछ सारी चीज़ें उसमें से हम लेंगे। और मार्केट का एक बड़ा कंसर्न रहता है कि बजट में क्या हो सकता है। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नॉन इवेंट हो जाता है, और इस बार का तो चूंकि एक एंट्री आ चुका ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मन में बहुत सारे सवाल शंकाएँ होती हैं कि अचानक से कोई गुगली ना आ जाए मार्केट के लिए, जिससे दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ हुआ है लास्ट वीक, बहुत कुछ हुआ है। अमेरिका में भी बहुत कुछ हुआ, भारत में भी बहुत कुछ हुआ है। तो मन में आपके सवाल ज़रूर होगा कि ये मार्केट को कैसे प्ले करें, बजट से क्या क्यों लें, क्या बजट में ऐसा कुछ तीन तूफान हो सकता है जिससे हमको दिक्कत हो जाए, या कुछ इतना अच्छा हो जाए कि मार्केट यहाँ से भी बहुत बढ़िया करे। तो उन सारे सवालों को आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही तीन प्रकार के मैंने इन्वेस्टर्स का क्लासिफिकेशन किया है, तो वो इन्वेस्टर जो तीन प्रकार के हैं वो कैसे प्ले करें इस मार्केट को, उस पर बातचीत करेंगे। ये अलग कठिन सवाल है जो मैंने अभय जी के लिए बनाया है। तो आज के मेहमान से मैं परिचय करा देता हूँ। अभय अग्रवाल सर हमारे साथ हैं, पाइपर सेरिका के CIO हैं, और मेहर वोरा सर हमारे साथ हैं, यही फंड मैनेजर। अभी हाल ही में इन्होंने अपना बड़ा फंड लॉन्च किया और बहुत पैसे जुटा लिए, लेकिन दिक्कत हो रही होगी लगाएं कहाँ, मार्केट बहुत महंगा हो गया। और सुनील सुब्रमण्यम सर हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और आजकल सिंगापुर में अपने ग्रैंडसन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम वहाँ पे देंगे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हमने कहा कि थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और मार्केट में क्या हो रहा है। तो मीर सर, क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट में देखिए काफ़ी एक्साइटमेंट तो है ही, और हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने में एक दो इवेंट्स जो हो गए, पहले तो फरवरी में जनवरी में हम बजट की उथल पुथल थी, फिर ग्लोबल सिचुएशन भी थोड़ी बेटर देन एक्सपेक्टेड आई तो वो तेज़ी चलने लगी, और जो US में खास करके जो टेक्नोलॉजी में मैग्निफिसेंट 7 थे उनकी तेजी और चलती रही, तो उसकी भी टेलविंड हमें मिली। एक छोटी सी अनसर्टन थी इलेक्शन की, उसके आजू बाजू थोड़ी हमने वॉलेटिलिटी देखी बाजार में, लेकिन जब देखा कि ये जो गवर्नमेंट रेजिम कंटिन्यूटी है तो अगेन तेजी कंटिन्यू रही। तो मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव सेंटीमेंट पिछले 2-3 साल से बिल्टअप हुआ था उसका ये कल्मिनेशन अभी भी चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रॉस SIP फ्लोज अब 22,000 करोड़ हो गए हैं, तो वो बेसिक सेंटीमेंट तो आई थिंक पॉजिटिव है ही। पिछले कुछ दिनों में ये हुआ है कि US के जो डेटा पॉइंट्स हैं थोड़े वीक आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अभी स्लो डाउन शुरू हो सकता है, और उसकी इम्पैक्ट जो है विश्व 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 की बाजारों में कैसा होगा वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा एक थोड़ी सी 5-6 दिनों में एक छोटी सी ब्रेक जैसा लगा है बाजार, स्लो डाउन आना चाहिए, वो तो खुद ही चाहते थे। बिल्कुल, बट जब आता है तो किसी को पसंद नहीं आता, मना रहे थे आ जाए, माहौल बनाया कि आ जाए, अब आ रहा तो डिसलाइक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उसे रेट कट भी होगा फिर। एग्जैक्टली, तो वही है वो हमारी जो साइकिल है कि स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशंस होगी तो रेट कट होंगे, रेट कट होंगे तो लिक्विडिटी होगी। तो इस तरह से बाजार का जो बेसिक सपोर्ट है लिक्विडिटी और फंडामेंटल्स का, वो लॉन्ग टर्म में तो मिलता ही रहेगा, शॉर्ट टर्म में ऐसी जो हमने वॉलेटिलिटी देखी है वो हमें तो एज यूजुअल बेयर करनी पड़ेगी। कोई घबराने चिंता करने वाली बात अभी तक इंडिया के लिए तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं आई है। अभय जी, ये लास्ट वीक में हमने देखा कि न्यू हाई जी, और उसके बाद वहां से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जी। क्या कोई चीज़ बजट को लेकर के सोच रहे हैं लोग, अमेरिका को लेकर सोच रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं इस समय? जी, मुझे लगता नहीं कि बजट की वजह से कोई करेक्शन हुआ है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग तो है, ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट है तो लोग चाहते हैं कि जितना प्रॉफिट बना, स्पेशली पोस्ट इलेक्शन रैली 4 जून के बाद 15% पॉइंट की रैली, बिल्कुल, तो वो कम नहीं है, मतलब उसमें अच्छा रिटर्न बना जिन्होंने ठीक टाइम पे एंट्री ले ली थी। तो अब एक बड़ा अगला इवेंट है बजट का, मुझे नहीं लगता बजट से किसी को कोई नेगेटिव सरप्राइज की एक्सपेक्टेशन है अभी भी, पर एक डर रहता है। तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है जहाँ पे पैसा बना, थोड़ा लाइट वेटिंग है पोजीशंस की, ट्रेडर्स की स्पेशली, और इतना करेक्शन तो अच्छा है मैं कहूँगा मार्केट का, कि टेक्निकल करेक्शन चलता रहे, फ्रॉथ निकलता रहे, जो नए इन्वेस्टर लेना चाहते हैं उनको मौका मिले एक फेयर प्राइस पे वापस स्टॉक लेने का। तो एक बजट मंगलवार को है, उसके बाद फिर मार्केट को नए ट्रिगर्स ढूंढने पड़ेंगे फ्रैंकली, कि अब किस ट्रिगर पे वो फोकस करे और किन सेक्टर्स पे फोकस करे, क्योंकि अब मार्केट का ध्यान बजट के बाद जाएगा कि अब अगले 4-5 साल 3 साल में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो या तो रिवाइव करेंगे या वैल्यू क्रिएट करेंगे जो अभी तक इग्नोर्ड हैं। तो मुझे लगता है पूरा मार्केट का टेक्सचर और मूड जो है वो बजट के बाद बदलेगा और अर्निंग्स पे फोकस करेगा,
जो अभी तक आ रही क्या अर्निंग्स, आई थिंक मिक्स्ड मैं कहूँगा कि जो कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किया था लार्जली उस लाइन में है. मुझे लगता है जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनका जो कॉस्ट प्रेशर है वो दिख रहा है, तो नंबर्स उसी के हिसाब से है, कोई सरप्राइज नहीं है बड़ा. आईटी के एट पार मे बी स्लाइटली बेटर देन पार रिजल्ट्स कह सकते हैं. और एफएमसीजी के मुझे लगता है उसी हिसाब से गाइडेंस अच्छी होगी. मेरे को लगता है मार्केट अब फोकस करेगा कमेंट्री पे रादर देन लुकिंग कि क्या आपका रिजल्ट क्या आया, उससे ज़्यादा कि अब आप जो मैनेजमेंट है वो अगले 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए क्या गाइड कर रहा है वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में, प्राइस रिकवरी के बारे में, मार्जिन एक्सपेंशन के बारे में. उस पर बाजार का फोकस ज़्यादा जाएगा कि जिस मैनेजमेंट ने ठीक टाइम पे कैपेक्स करके कैपेसिटी बढ़ा ली और अब एक साइक्लिकल रिवाइवल है वॉल्यूम और प्राइस दोनों का, तो उन कंपनीज पे ज़्यादा फोकस जाएगा मार्केट का रादर देन जस्ट लुकिंग एट कि जो मोमेंटम में चल रहा था. तो एक मोमेंटम ब्रेक ऑलरेडी हुआ है अभी, मतलब बजट के बाद एक नए ट्रिगर की जरूरत होगी. बिल्कुल होगी जो अर्निंग्स पे है जी. मैं इस पे एक थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू, मेरा अर्निंग्स पे बहुत वॉक द टॉक वाली बात मुझे दिखती नहीं, होप वाली ज़्यादा टॉक दिखती है. आप किसी भी मैनेजमेंट से नतीजे बहुत ख़राब है तो वो 10 बहाने बताएगा, ये रीजन गिना देगा आपको और बड़ी लंबी होप दिखाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है. आप एफएमसीजी के नंबर्स देखिए बहुत अच्छे हैं, अभी एशियन पेंट के नंबर बहुत अच्छे नहीं आए, सीरियस प्रॉब्लम है वहाँ पे. अब वो बहुत गर्मी पड़ी थी, चुनाव थे और ये थे वो थे सब बता दिया, लेकिन एक्चुअली नंबर गड़बड़ है. तो मार्केट क्या इस चीज़ को सेंस कर रहा है कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आने की उम्मीद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डर है. और कुछ पॉकेट्स हैं जैसे मैंने कहा कि कुछ सेक्टर सेगमेंट, एफएमसीजी भी इतना बड़ा स्पेस है उसमें भी सेगमेंट्स हैं, सब सेगमेंट्स हैं. पर्सनल केयर अलग है, ईटेबल्स अलग है, पेंट टाइल ये जो होम बिल्डिंग का है ये अलग सेगमेंट आ गया. तो हर सेगमेंट को एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा आपको. और मेरे को नहीं लगता कि कोई एक्सपीरियंस मैनेजमेंट ओवर प्रॉमिस करना चाहता है इस समय, क्योंकि सबको मालूम है कि ओवर प्रॉमिस किया अगले क्वार्टर में डिलीवर नहीं किया तो स्टॉक हाँ मतलब अच्छी पिटाई होगी. तो ओवर प्रॉमिस के तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई आसार हैं. कॉशियस ऑप्टिमिज्म की कमेंट्री है जिसको एनालिस्ट ज़्यादा रीड करेंगे, ज़्यादा डिग इन करेंगे. ऑन ग्राउंड रिसर्च करना पड़ेगा, लोगों को जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ जो मैनेजमेंट कह रहा है क्या वो एक्चुअली हो रहा है. काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं नीरज जी जो एक साइक्लिकल रिवाइवल के थ्रू जा रही हैं, बॉटम आउट हो गया, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल हैं, स्पेसेस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिनको चाइना की डंपिंग की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई पिछले 3-4 सालों से, और आप देखेंगे प्राइसेस एकदम साइडवेज थे. अब चाइना ले बीच में ना, इस पे अलग शो करेंगे, अलग शो तो उसमें हो ही जाएगा जिस दिन वो शी जिनपिंग बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे, लेकिन उसको मैं बीच में लाऊंगा. एक बार जरा देखते हैं, दूर से बैठ के आदमी थोड़ा अलग देखते ना, तो सिंगापुर से बैठ के हम लोग जो बातें यहाँ कर रहे हैं, सुनील जी आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? ठीक ठीक बातें कर रहे हैं या आप कुछ और वहाँ चले गए दूसरी तरफ सोचने लगे? देखिए आप बजट के बारे में बात करेंगे ना, तो मैं कहूंगा कि बजट एक पीआर एक्सरसाइज है, ये बोलिए मत. राइट, एक दो टिप्स होते हैं बजट में. एक है रिपोर्ट कार्ड, यानी जो बीती हुई साल उसमें पिछले साल जो प्रॉमिस किया था क्या उस प्रॉमिसेस के ऊपर गवर्नमेंट ने डिलीवर किया है, एक रिपोर्ट कार्ड होता है. दूसरा होता है अगले साल की जो एक्सपेक्टेशन डालते हैं वो एक पीआर एक्सरसाइज है. पीआर एक्सरसाइज माने हम कह रहे हैं कुछ होगा नहीं होगा वो कल अगले साल ही पता लगेगा, मगर कौन है रेसिपिएंट ऑफ द बजट ये हमें भूलना नहीं चाहिए. क्योंकि ऐसे शोज में ऐसे लोगों का सब देखिए, एक होता है कि मिडिल क्लास की हमारी टैक्स बढ़ेगी, ये एक मीडिया में चर्चा होती है. दूसरी होती है आपने कहा फंड मैनेजर्स, बट फाइनेंस मिनिस्टर के लिए और पूरी मिनिस्ट्री के लिए एक ही टारगेट ऑडियंस है बजट के लिए, वो है रेटिंग एजेंसी, चाहे वो मूडीज हो, S&P हो, फिच हो, क्योंकि इस रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग के ऊपर अपना FDI फ्लोस, FII फ्लोस, इक्विटी डेट सब डिपेंड करते हैं. और वहां पे रेटिंग लेवल, रेटिंग डाउनग्रेड, रेटिंग अपग्रेड, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हर साल सामने आती है और उस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर को मैनेज करना पड़ता है उन फॉरेन रेटिंग एजेंसीज को, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का रेटिंग में कुछ खराबी नहीं आनी चाहिए. तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिए पहली बात. अब उसके